हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे मैग्नेटिज्म का दोस्तों, है ना। तो आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सबका सब ऑब्जेक्टिव होगा। चुंबक तो चैप्टर आपका दोस्तों समाप्त हो गया, तो समाप्त होने के बाद हम आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन लिखा दिए हैं। आज हम आप लोग को ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दोस्तों, तो आज हम आपको उसको पढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब कि यदि कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, समझते रीडिंग करो दोस्तों, यदि कोई चुंबकीय द्विध्रुव है और उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? ऑप्शन नंबर ए, एक बल परंतु कोई बल युग्म नहीं, मतलब कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर एक बल लगता है या एक बल युग्म लगता है। आपको पता ना, बल युग्म मतलब कि दो बलों का जोड़ा जो मान में बराबर दिशा में विपरीत, यहां एक बल लग रहा है या दो बल लगता है एक साथ, कब? जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, एक बल परंतु कोई बल युग्म नहीं। दूसरा, एक बल युग्म परंतु कोई बल नहीं, अपोजिट है, इसमें एक बल परंतु कोई बल युग्म नहीं, इसमें एक बल युग्म परंतु कोई बल नहीं। तीसरा, एक बल तथा एक बल युग्म, मतलब दोनों, एक बल भी लग रहा है और एक बल युग्म भी लग रहा है। और चौथा, ना बल तथा ना बल युग्म। अब चुनना है कि चारों में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, है ना। तो आप लोग कुछ पता चला, आप लोग को पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है ना। सोचिएगा थोड़ा सा, यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बल लगता है, तो आपको पता है हम लोग फॉर्मूला भी लिखते हैं, है ना, कि बल युग्म, बल युग्म को या बल आघूर्ण, तो बल युग्म या बल आघूर्ण को डिनोट करते हैं दोस्तों टॉर्क से, अर्थात वहां बल नहीं, जब भी लगेगा चुंबकीय द्विध्रुव पर तो बल युग्म को, कि उत्तरी ध्रुव में भी, जैसे मान लीजिए आप ये फिगर देखिए एन और एस, बल तो उत्तरी ध्रुव पर भी लगेगा दोस्तों और दक्षिणी ध्रुव पर भी, मतलब नॉर्थ पोल पर भी लगेगा और साउथ पोल, तो क्या एक बल लग रहा है? नहीं, एक बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक इस पर लगेगा, अर्थात जब भी लगेगा तो वह बल युग्म लगेगा, पेयर फोर्स लगेगा दोस्तों, अर्थात सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर टू, एक बल युग्म परंतु कोई बल नहीं। तो आप इसको उतार लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर टू सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर टू सही है। इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आप उतार लिए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, पहला ऑप्शन न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, सेकंड ऑप्शन है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर मीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो चुनना है सही ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर है एम्पियर मीटर स्क्वायर अर्थात ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री इसका आंसर दोस्तों। उतार लीजिए आप लोग। उतार लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है ना। फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर मीटर इनवर्स, सेकंड ऑप्शन है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है मीटर एम्पियर इनवर्स और फोर्थ ऑप्शन है मीटर एम्पियर माइनस टू। अब इसमें से आपको चुनना है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर फोर है एल लंबाई के एक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगला क्वेश्चन है एल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसको मोड़कर वृत्ताकार बनाया गया, मतलब कि एक एल लंबाई का तार है और इसको मोड़कर वृत्ताकार बनाया गया है, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है आई बाय फोर पाए, दूसरा ऑप्शन है आई बाय टू पाए, तीसरा ऑप्शन है आई एल स्क्वायर बाय फोर पाई आर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है आई एल स्क्वायर बाय फोर पाई। तो सही आंसर दोस्तों इसमें चौथा आई एल स्क्वायर बाय फोर पाई। अगला क्वेश्चन है ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है या ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है एम्पियर मीटर, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर पर मीटर और फोर्थ ऑप्शन है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोग को पता है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आंसर बोलते हैं एम्पियर मीटर, इसको आप उतार लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण m है ना। एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण m है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? ऑप्शन है फर्स्ट m, सेकेंड m बाय टू, थर्ड m बाय फोर और फोर्थ 4m। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये थर्ड m बाय फोर, मतलब चार गुना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा,
इस त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तब उसका चुंबकीय आघूर्ण उसका चौथाई हो जाता है अर्थात m बाई फोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है, है ना, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन एम्पियर मीटर इनवर्स, दूसरा ऑप्शन टेस्ला जूल इनवर्स, तीसरा ऑप्शन जूल टेस्ला इनवर्स, चौथा ऑप्शन न्यूटन मीटर टेस्ला इनवर्स। टी का मतलब हुआ टेस्ला और जे का थोड़ा है जूल। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर है टू, ऑप्शन नंबर हो गया टू सही आंसर दोस्तों कि टेस्ला जूल इनवर्स ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। बाकी ये सभी जितने हैं सब के सब देखिए, इससे आपको एक चीज और पता चल गया, यदि आपसे कोई पूछा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताओ तो आपके पास तीन तीन मात्रक है, पहला एम्पियर मीटर इनवर्स, दूसरा जूल टेस्ला इनवर्स, तीसरा न्यूटन मीटर टेस्ला इनवर्स। ये तीनों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, सिर्फ ये ऑप्शन नंबर टू टेस्ला जूल इनवर्स ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, एम चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक, मतलब एक दंड चुंबक लिया गया जिसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है एम है, को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के अनुदिश रखा हुआ है, तो चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, है ना। तो आप पढ़े होंगे कि W बराबर एम बी कॉस थीटा, कॉस थीटा या साइन थीटा, तो आपको पता है कि W बराबर एम बी साइन थीटा और थीटा का मान रखना है 90 अर्थात साइन, देखो आपको फॉर्मूला पता है, देखिए यहां पे W बराबर एम बी साइन थीटा, थीटा का मान 90 पुट कीजिए दोस्तों तो हो गया W बराबर एम बी साइन 90 डिग्री और साइन 90 का मान होता है दोस्तों 1 अर्थात सही आंसर मिला W बराबर एम बी अर्थात ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है W बराबर एम बी। तो इसको उतार लीजिए दोस्तों, इसको उतार लीजिए। इसको उतार लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, लघु चुंबक की अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में इसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा, मतलब कि एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसको दो अक्ष में रखा गया है, एक अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति, तो इसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। दोनों का फॉर्मूला आपको प्रूफ कर दिया है कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। बस क्या काम करना है कि दोनों का फॉर्मूला लिख के बटा में करना है
और देखिए क्या आंसर आता है। तो पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:1 और चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा 2:1। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको प्रूफ किया हुआ, उसको आप बटा में कीजिए तो टोटल का टोटल कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर में 2 और नीचे में 1। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को हम परिभाषा लिखाए थे, नति कोण का दिक्पात कोण, ध्रुवन कोण आप पढ़े नहीं है और क्रांति कोण आप पढ़े नहीं है। तो सही आंसर हो गया दोस्तों दिक्पात कोण। दिक्पात कोण का मतलब हो गया कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। तो इसको उतारिए दोस्तों, इसका ऑप्शन दूसरा सही है और इसका भी दूसरा सही है, इसको उतारिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 0 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 90 डिग्री। तो सही आंसर हो गया दोस्तों आपका 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है दोस्तों 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक, मतलब कोई स्थान है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है ना। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा। तो उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा। तो यदि दोस्तों यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो जाएंगे तब उस स्थान पर नति कोण का मान होगा 90 डिग्री दोस्तों, है ना 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, मतलब यहाँ पर दोनों घटक बराबर हो गया, यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो गया तो उस स्थान पर नति कोण का मान हो गया 45 डिग्री। लेकिन यदि किसी पृथ्वी के किसी स्थान पर 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक √3 गुना है, देखिए लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 36 घटक का √3 गुना है तो उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा। तो ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो सही आंसर मिलता है दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो आप इसको उतार लीजिए दोस्तों।
चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है किस स्थिति में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है लेकिन किस क्षेत्र में, तो ऑप्शन मिलता है चुंबकीय ध्रुव पर, दूसरा ऑप्शन मिलता है भौगोलिक ध्रुव पर, तीसरा ऑप्शन मिलता है प्रत्येक स्थान पर और चौथा ऑप्शन मिलता है चुंबकीय निरक्ष पर। अब आपको दिमाग लगाना है दोस्तों, अब हमको दिमाग लगाना है कि आखिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है किस स्थान पर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर मिलता है चौथा, अर्थात पहला है चुंबकीय ध्रुव पर, दूसरा है भौगोलिक ध्रुव पर, तीसरा है प्रत्येक स्थान पर और चौथा है चुंबकीय निरक्ष पर। तो सही आंसर दोस्तों चौथा, चुंबकीय निरक्ष पर, अर्थात चुंबकीय निरक्ष पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कब शून्य होता है, ऊर्ध्वाधर घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है चुंबकीय निरक्ष पर, जबकि दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है पहला ऑप्शन, वही ऑप्शन दोस्तों चुंबकीय ध्रुव पर, दूसरा ऑप्शन है भौगोलिक ध्रुव पर, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक स्थान पर और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय निरक्ष पर, है ना। तो ये दिमाग में आ गया कि सर जी चुंबकीय निरक्ष तो ऊर्ध्वाधर घटक में है, चुंबकीय निरक्ष तो ऊर्ध्वाधर घटक में, अब प्रत्येक स्थान पर तो होगा नहीं, बच गया ऑप्शन चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव। तो सही आंसर दोस्तों चुंबकीय ध्रुव पर, सही ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया चुंबकीय निरक्ष पर और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया चुंबकीय ध्रुव पर। उतार लीजिए दोस्तों इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, तो पहला ऑप्शन है जीरो, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। अब इसमें से सही आंसर है आपका दोस्तों 90 डिग्री, अर्थात चौथा ऑप्शन, फिर चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान होता है 90 डिग्री दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान कितना होता है, क्वेश्चन ये है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान कितना होता है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन 1, है ना, सेकंड ऑप्शन है इक्वल 1, थर्ड ऑप्शन है लेस देन 1 और फोर्थ ऑप्शन है बहुत बहुत कम, है ना। तो सही आंसर हो गया फोर्थ कि एक से बहुत ज्यादा कम, है ना। अगला क्वेश्चन है लौह अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का मान कितना होता है, ये था लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए जिसका आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान एक से बहुत कम होता है और ये है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जिसके चुंबकशीलता का मान कम होता है लेकिन एक से अधिक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा सही दोस्तों, कम लेकिन एक से अधिक। उतार लीजिए दोस्तों,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.9999 है तो प्रकृति क्या होगी, मतलब एक से कम है। यदि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता 0.999 है मतलब एक से कम है तो उसकी प्रकृति क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है अणुचुंबकीय, दूसरा ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय, तीसरा ऑप्शन है लौह चुंबकीय और चौथा ऑप्शन है अचुंबकीय। तो भी आप तुरंत पढ़ चुके हैं कि यदि एक से कम रहे तो वह हो जाता है दोस्तों प्रतिचुंबकीय, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। उसके बाद दोस्तों डोमेन किस पदार्थ से बनता है, आपको हम बताए थे कि चुंबक के अंदर बहुत सारा रेखाएं खींचा रहता है, एक संरेखण रहता है जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन। डोमेन का अंदर आप फिर से बड़ा फिगर समझ सकते थे उसके पूरे डोमेन। तो आपको बताए थे मान लीजिए ये मैग्नेट है, मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट, उसके अंदर इस प्रकार का एक संरेखण गुण रहता है तो इसी संरेखण को हम लोग कहते हैं डोमेन, है ना। तो क्वेश्चन पूछा है डोमेन किस पदार्थ से बनता है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय, सेकंड ऑप्शन है लौह चुंबकीय, थर्ड ऑप्शन है अणुचुंबकीय और फोर्थ ऑप्शन है सभी। सही आंसर है दोस्तों लौह चुंबकीय, लौह चुंबक में दोस्तों डोमेन होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उचित धातु कौन है, मतलब यदि आपको एक विद्युत चुंबक बनाना है तो उसके लिए उचित धातु कौन है। दोस्तों पहला ऑप्शन है नरम लोहा, दूसरा ऑप्शन है स्टील, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है निकेल। तो सही आंसर है दोस्तों नरम लोहा, क्योंकि नरम लोहा में विद्युत चुंबक का गुण सबसे अधिक होता है दोस्तों, इसलिए सही आंसर हो गया नरम लोहा, है ना। तो आप उसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको याद कीजिए और कल हम आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने के लिए देंगे आपको और साथ में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाने देंगे तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से। उसके बाद हम आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका हिंदी नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो कल के वीडियो में हम आप लोग को न्यूमेरिकल भेजेंगे दोस्तों।